हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 123 ए करेंगे, जो कि 2 दिसंबर की है, क्लास थर्ड की पाठ सबसे अच्छा पेड़। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना पाठ सबसे अच्छा पेड़ में जाना कि पेड़ ना केवल हमारे लिए वरदान है, बल्कि बहुत सारे पशी पक्षु व कीड़े मकोड़ों का पूरा संसार इन्हीं में बसता है। ये सभी जीव पेड़ों पर अपना आशियाना बनाकर अपने परिवार के साथ इन पेड़ों पर ही रहते हैं। तो आइए आज हम इनकी महत्वता के बारे में जानते हैं। तो पेड़ पर कौन कौन से पक्षी या जीव जंतु रहते हैं, किन्हीं तीन के नाम नीचे दिए गए जगह में लिखें। तो गिलहरी पेड़ पर रहती है, चिड़िया पेड़ पर रहती है, मोर पेड़ पर रहते हैं, कबूतर रहते हैं। अब रबड़ से बनने वाले किन्हीं तीन वस्तुओं के नाम, गुब्बारा, टायर, खिलौने, दस्ताने हो सकते हैं। तीसरा, बच्चों अगर एक पेड़ लगाना है तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे, ये भी बताइए कि आप उसे कहाँ लगाना चाहेंगे और क्यों लगाना चाहेंगे। तो बच्चों आप अपना ये खुद आंसर ढूंढेंगे कि आप कौन सा पेड़ लगाना क्यों पसंद करेंगे, किस लिए, तो आप ये खुद करें। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है, नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है, तो नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखिए। तो जो नीम है उसकी पत्तियों का उपयोग है किसके लिए, दवा और दातुन के लिए, और नीम के फलों का उपयोग त्वचा की सुंदरता या फिर इस सब के लिए यूज होता है। तो बच्चों आप इस तरह से ही वर्कशीट्स करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।